डार्क वेब पर ऑडियो लीक्स की बाकायदा बोली लगाई जा रही है। और ये हमारी एजेंसी नहीं करती, ये CIA करती है। अच्छा, कि अल्लाह ना करे अगर कोई चीफ की कोई कॉन्वर्सेशन निकल आती है, वहां तो मेरे तो टांग नीचे से हिल जाएगी। हाय, कि हमारी ISI जो है उसको दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसी नंबर 1 का स्टेटस हमने थोड़ी दिया है। समझ आई आपको नाजरीन? वो तो आपको याद होगा एक डॉक्यूमेंट्री हमने देखी थी जिसके अंदर 10 एजेंसीज जो है वो दिखाते हैं। तो मेरा ख्याल से हमें ये तवक्कु रखनी चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज विल राइज टू द ओकेजन। हमारी एजेंसी ISI ने, CIA ने पूरी कोशिश की थी, शकील अफरीदी जिसने उसामा पकड़वाया, मेड थ्री अटेम्प्ट्स। जेल ब्रेक हो रही थी पेशावर जेल पे, मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ, जेल ब्रेक हो रही थी, हमारी ISI ने उसको फॉइल किया CIA को। इतना भारी भयानक मजाक मत कीजिए, देखिए मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। बाहर किसी को खुदा रसूल की कसम इंडिया अमरीका इसराइल किसी को हमारी नहीं पड़ी, हम किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखते, हम किसी के लिए खतरा नहीं, हम खुद अपने लिए खतरा हैं। कि हमारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको बहुत से सिक्योरिटी के जो तरीके हैं आज के दौर के वो नहीं आते हैं। IMF को अगर पैसा लेना है हमसे तो हमें पैसा देना पड़ेगा। देखा आपने, सुना आपने, मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस डॉक्यूमेंट्री को इन लोगों ने देखा होगा वो किसी न किसी पाकिस्तानी के द्वारा ही बनाया गया होगा। अब किसी मुल्क का, किसी देश का PM हाउस का जो सीक्रेट कन्वर्सेशन है वो डार्क वेब पे खुलेआम बिक रहा है, लेकिन इनके लिए ISI जो है वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। आए दिन पाकिस्तान के अंदर में कहीं ना कहीं हम धमाके होते रहते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो ISI है वो दुनिया में नंबर 1 है पाकिस्तानियों के लिए। अफगानिस्तान में बुरी तरह मार खाना पड़ा पाकिस्तान को, शुरू में तो काफ़ी हल्ला और हंगामा मचा रहे थे लेकिन बाद में क्या वो तो सबने देख लिया, लेकिन फिर भी इनकी जो ISI है वो नंबर 1 है। बिल्कुल सही है, नंबर 1 है, लेकिन वो दुश्मन देशों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत को गिराने में माहिर है और उसको बस यही काम आता है और साथ ही साथ बिजनेस करना। तो खैर, पाकिस्तान में जो ऑडियो लीक हुआ है उससे काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और आश्चर्य की बात ये भी है गाइस इसमें कि इस ऑडियो लीक में अभी तक जो भी ऑडियो सामने आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पक्ष में है, यानी कि इमरान खान को उससे फ़ायदा हुआ है उस ऑडियो लीक से। तो वही देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है, लेकिन इस वीडियो को सिर्फ देखिएगा एंटरटेनमेंट पर्पज से, बिना सीरियस हो एंजॉय कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। जय हिंद। सर आप कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए? आपकी सिक्योरिटी लैब सही है? ये आपका जो डिपार्टमेंट जो है ये बग है, ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस ये बग है। मैंने नवाज शरीफ को भी कहा इन पर्सन, मैंने इमरान खान को भी कहा इन पर्सन, ठीक है जी, और मैंने शौकत अजीज को भी कहा इन पर्सन कि ये बग होते हैं। और आप और गिलानी साहब हम बैठे थे अंदर, मैंने सबको कहा कि ये बग होते हैं और ये हमारी एजेंसी नहीं करती, ये CIA करती है। अच्छा, ये इंटरनेशनल, ये जो ये CIA वाले हैं इनके पास ऐसे ऐसे आला वो है इक्विपमेंट कि ये हर चीज़ को बाईपास करके, हालांकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जैमर्स लगे हुए हैं, आप जाते हैं नवीद साहब अंदर आपके फोन्स रखवा देते हैं बाहर, आपके फोन्स अंदर नहीं ले जा सकते। और सो मच सो मैंने कल एक प्रोग्राम में रेफरेंस दिया, आई मेट अ फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी, तो मैं जब उनके घर गया बुखारी साहब तो ADC ने मेरा फ़ोन ले लिया, तो जब वो खुद अंदर आए उन्होंने भी अपना फ़ोन रख दिया। तो मैंने कहा जी ये क्यों आपके, वो कहते हैं जी हमें भी ये करते हैं, ये हमें भी बग करते हैं, बिकॉज दे आर प्राइंग ऑन एवरीथिंग। तो कमिंग फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर्स हाउस वेयर द प्राइम मिनिस्टर नो मैटर हु इट इज मीटिंग द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इज मीटिंग इज कैबिनेट, इज मीटिंग सेंसिटिव पीपल, इज मीटिंग एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्रीज विच आर नॉट फ्रेंडली टू द अमेरिकन्स, तो वो उनके पास तो डेटा आ जाता है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले आपको सैक करना है अपने सिक्योरिटी को कि क्या हुआ है, और अपनी सिक्योरिटी के अलावा जो चीज़ है कि आपने अपने जो आपके सिक्योरिटी अप्रैटिस है इसको अपग्रेड करो, आप इसको लेके आओ वर्ल्ड लेवल के ऊपर, पैसा खर्चो ताकि जो आपको बक कर रहा है आप उनको बक करो। लेकिन मुझे डर है कि अल्लाह ना करे अगर कोई चीफ की कोई कॉन्वर्सेशन निकल आती है, वहां तो मेरे तो टांग नीचे से हिल जाएगी। आप ये देखिए कि एमन अल जवारी जैसा मोस्ट वांटेड टारगेट जो है वो कैसे अचीव हो गया बगैर एक गोली चलाए, चिप रखवा दी जाती है वहां पर, एंड देन एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इज वल्नरेबल। ये मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि इतनी मोस्ट मॉडर्न डिवाइसेस और इतनी मिनिएचर डिवाइसेस आ चुकी हुई हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है, कि आपकी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो दे आर मैचिंग टू द वर्ल्ड। देखें हम इतने बुरे भी नहीं थे, मेरे ख्याल से हम बड़ी ज्यादती करेंगे अगर ये ना कहें कि हमारी ISI जो है उसको दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसी नंबर 1 का स्टेटस हमने थोड़ी दिया है। वो तो आपको याद होगा एक डॉक्यूमेंट्री हमने देखी थी जिसके अंदर 10 एजेंसीज जो हैं वो दिखाते हैं। तो मेरा ख्याल से हमें ये तवक्कु रखनी चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज विल राइज टू द ओकेजन।
और वो न सिर्फ ये कि इंतजाम बेहतर करेंगी बल्कि ये जो अनासर हैं जिन्होंने ये किया है ऑब्वियसली इतना डाटा जितना वो क्लेम कर रहे हैं अगर उनके पास है तो गॉड नोज किस किस की गुफ्तगू है। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम लीग को टारगेट किया है ना, इसमें इस पटारी में से क्या क्या निकलेगा, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो। साहब इससे पहले ये आप जाए आगे, मैं आपको बताऊं हमारी एजेंसी ISI ने CIA ने पूरी कोशिश की थी शकील अफरीदी जिसने उसामा पकड़वाया, मेड थ्री अटेम्प्ट्स जेल ब्रेक हो रही थी पेशावर जेल पे, मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ, जेल ब्रेक हो रही थी, हमारी ISI ने उसको फॉइल किया CIA को। बाहर किसी को खुदा रसूल की कसम इंडिया अमरीका इसराइल किसी को हमारी नहीं पड़ी, हम किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखते, हम किसी के लिए खतरा नहीं, हम खुद अपने लिए खतरा है, किसी को हमारे लिए खतरा नहीं बनने की जरूरत है। सिक्योरिटी तो आपकी उस वक्त भी खतरा नहीं बनी थी भाईजान जब आपने बाहर से बुला करके और अपना IMF के एक चमचे को प्यादे को अपना जो है वो वजारत खजाना सॉरी स्टेट बैंक दे दिया था। सिक्योरिटी को उस वक्त भी खतरा नहीं हुआ था कि जब हमने मुशीर कौमी सलामती एक बाहर से आए हुए आदमी को दे दिया था, वो कहाँ है अब, कौन सी ऐसी बात हो गई है भाई। नवाज शरीफ पहले सज्जन जिंदाल यहां आकर के मरी में इससे मुलाकात करके इस पूरे घराने से गया, आप लोगों ने इतना बाजा बजा दिया मैं तो हैरान हो रहा हूं भाई। नवाज शरीफ का इंडिया से कुर्बत, नवाज शरीफ की मोदी की मां को दी गई साड़ियों से साबित नहीं होती। उसामा साहब सिद्दीक जान वो जो शालें गई थी मोदी की मां के लिए नवाज शरीफ के दौर में, आपको उस वक्त अखबार पढ़ना नहीं आया था मेरे भाई। बिस्मिल्ला पढ़ के शराब पीने से हलाल नहीं हो जाती, सुअर का गोश्त बिस्मिल्ला पढ़ के भी खाओ माजल्ला तो जायज नहीं है। इस जमहूरियत से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ बिलावलों जरदारियों शरीफों फलानों ढिकानों के लिए, तुम्हारे मेरे लिए इसमें कुछ भी नहीं है। कि हमारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको बहुत से सिक्योरिटी के जो तरीके हैं आज के दौर के वो नहीं आते हैं, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे दोस्त हैं बच्चे हैं हमारे, यानी जब आदमी ये कहे कि जब डीजी जो रेंजर्स है वो हमें ये कहे पुराना बिलाल अकबर ये कहे कि हम आपके बच्चे हैं तो वो ठीक है, तो ये तो और भी बच्चों का बच्चा हमारे पोते पोते के बराबर है जो हमारा जो इफ्तार जो है साहब है जी। लेकिन नहीं मैं ये कहता हूँ कि भाई सीखना चाहिए, दैट इज़ द ओनली वे। रूसियों को रूसी आप पर मेहरबान हुए थे तो वो आप पर बहुत फिदा हो गए थे और वो कहते थे भाई अगर पाकिस्तान हमारा वहाँ से जुड़ जाता है तो ये पूरा ब्लॉक एक हो जाता है, पूरा पूरा सेंट्रल एशिया पूरा ईरान पूरा पाकिस्तान और चीन, फिर हम मिलकर एक ब्लॉक बन गए। अब इंडिया की बारी थी, इंडिया को वो जबरदस्ती सक कर लेते, मैग्नेट जैसे होता ना जी जी। ऐसे मैग्नेट से उसक कर लेते तो उनका ये प्लान था, उसमें अमेरिका ने आप जल्जला लिया। बिल्कुल ठीक है, यानी हम ये कहते हैं भाई हम नहीं कर रहे आपका, हमारे पास हम एटमी मुल्क भी हैं और हम ये काम नहीं कर रहे हैं और जाओ नहीं करते हैं, अब क्या करेंगे हमारा ये जी। मुझे बता दीजिए कर क्या कर लेंगे भाई हमारा, वही जो IMF वाले नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। IMF को अगर पैसा लेना है हमसे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, बनिया क्या करता था और लो पैसा हमारे से,